कुछ दिखाता हूँ। ये नॉट इंटरेस्टेड वाला ना अब से मैं ऑप्शन नहीं देगा। बड़ा मजाक करते आप, बहुत पोपट करते हैं मेरा। 60,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 70% से ज्यादा लोगों ने कहा नार्जो सीरीज में नॉट इंटरेस्टेड। वैसे 7% लोगों ने कहा कि ओवर प्राइस है, लेकिन 9% ऐसे भी है जिन्होंने कहा अच्छी प्राइस है। लेकिन ये नॉट इंटरेस्टेड का मैं क्या करूं। आपका स्वागत है आज की टेक न्यूज़। शुरू करते हैं और भाई पोल में ना आजकल आप खूब मजे ले रहे हो। मतलब मैंने रियलमी नार्जो के बारे में पूछा, मुझे लगा अच्छा कंपटीशन होगा अच्छे प्राइस में और ओवर प्राइस्ड में। भाई आप लोगों ने तो नॉट इंटरेस्टेड को जो मारा है वो 70% के पार चला गया। लेकिन एनीवेज मजा आता है आप लोगों के साथ में इस चीज में खेलने के लिए। आप भी ना। दोस्तों आज भी जबरदस्त टेक न्यूज लेके आ गया हूं। अब पोल बीच में ही रख लेते हैं आज की टेक न्यूज में। और 30,000 लाइक्स आजकल हम पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी वैसे करना, जरा भी मिस नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं यहां पर ऑनर से। ऑनर ने इंडिया में आज अपने 9X प्रो को लॉन्च कर दिया है और ये आपको सिर्फ एक ही वेरियंट के अंदर मिलेगा, 6GB रैम 256GB स्टोरेज। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 18,000 रुपीज, यानी कि 18,000 रुपए। और ये दोस्तों 21 और 22 मई से फ्लिपकार्ट पर इसका एक स्पेशल सेल होने वाला है। वहां पर अगर आप इसको परचेस करेंगे जाके तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आज से लेके 19 मई के बीच में इस स्पेशल सेल के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पर जाके। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां से रजिस्टर कर लीजिए। तो इन दो दिन में अगर आप उसको परचेस करेंगे तो 15,000 रुपए में आपको ये फोन मिल जाएगा। इसमें किरिन 810 वाला प्रोसेसर है, जो अच्छा प्रोसेसर है। IPS डिस्प्ले मिलती है 6.59 इंच की। लेकिन आपको पॉपअप कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का। पीछे ट्रिपल कैमरा है 48:8 और 2 मेगापिक्सल का। सोनी का सेंसर है, 4000mAh की बैटरी है। लेकिन यहां पर कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता, ये मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन साथ में आपको इसमें हुआवे मोबाइल सर्विसेज मिलेगी। मतलब फोन में आपको गूगल की कोई सर्विस नहीं मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हुआवे अपनी सर्विस दे रहा है, हुआवे का ऐप गैलरी आपको मिलेगा जो गूगल प्ले स्टोर को रिप्लेस करता है। अब ये कैसे काम करेगा जब मेरे पास फोन आएगा, आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं पोल रखता हूं यहां पर मुझे वोट डाल के कि क्या आप इसको ट्रस्ट करते हैं हुआवे ऑनर 9X प्रो को विद हुआवे मोबाइल सर्विसेज के साथ में। यहां पर पोल रखता हूं, आप मुझे जरूर से वोट डाल के बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आइको की तरफ से खबर आ रही है। आइको इस पर शायद एक गाना बन जाए, मेरा भरोसा नहीं। एनीवेज आइको Z1 दोस्तों, ये स्मार्टफोन 19 मई को चाइना में लॉन्च होगा। ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें MediaTek 1000 प्लस वाला प्रोसेसर होगा, 5G वाला, जो भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। 144Hz की डिस्प्ले होगी, 44W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन अब दोस्तों इसकी प्राइस यहां पर लीक हो गई है। जी हां, एक ऑफलाइन स्टोर है उसके थ्रू पता चल रहा है चाइना में, जहां पर इसमें बताया जा रहा है कि अगर मैं कन्वर्ट कर दूं दोस्तों तो 26,000 के आसपास ये फोन आ सकता है, जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइस है। और ये जो प्रोसेसर है, ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस और किरिन 990 से भी आपको बेटर मिलता है। इसके स्कोर्स आए तो उससे बता रहा हूं। तो प्रोसेसर के हिसाब से जो प्राइस रखी गई है, जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। और क्या प्राइस पर ये इंडिया में आता है, अंडर 30,000 आता है या उसके ऊपर आता है, ये आएगा तो जरूर। लेकिन ये प्राइस देख के आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों सुबह में हमने वीवो V19 की अनबॉक्सिंग किया है, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग हम थोड़ी डिफरेंट कर रहे हैं और भी ज्यादा डिटेल्स उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, नई नई तरीके की चीजें कर रहा हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा सही लगे। और दूसरी बात, पोको F2 Pro आज ग्लोबली लॉन्च होने वाला था, मैं ऐसे कहूंगा क्योंकि टेक्नोस हुई है जब तक तो वो लाइव हो गया रहेगा और प्राइस वगैरह सब कुछ आ गई रहेगी। तो मुझे लग रहा है पोको F2 Pro जो रेडमी K30 Pro है उसी का रीब्रांड बन के गया रहेगा और प्राइस भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगी। वैसे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊ नहीं बनाऊ कल, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो बता दूं Redmi Note 9 Pro Max इंडिया में आज उसका आई थिंक दोपहर के 12 बजे सेल था। तो मन्नू कुमार जैन ने ट्वीट करके ये बताया कि कुछ ही मिनटों में ये स्मार्टफोन सोल्ड हो गया। जी हां, पता है इनकी सेल में किसी को मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से हाथ में आता है। लेकिन उन्होंने कहा भी कि थोड़ा लॉकडाउन में इशू चल रहा है तो बाद में दूसरा सेल भी आ जाएगा। लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहे वर्कर्स तो फोन बनेंगे कैसे, तो थोड़ा उसमें डिले हो सकता है। लेकिन पहला सेल तो आज हो गया था। वैसे अगर आपने ट्राई किया और आपको मिला तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि फ्लैश सेल में मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वैसे दूसरी चीज की बात करें तो Redmi Note 10 सीरीज
शायद चाइना के अंदर कभी भी अनाउंस हो सकती है, ऐसी खबरें यहां पर आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि Redmi का एक बजट 5G स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है और ये नोट सीरीज का ही होगा। तो इससे पता चलता है कि नोट 9 सीरीज तो ऑलरेडी है, शायद नोट 10 सीरीज होगी जिनमें आपको मीडियाटेक 800 डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर मिल सकता है जो चाइना के अंदर जाएगा। पता नहीं दोस्तों क्या होगा, लेकिन Redmi नोट 10 सीरीज इतना जल्दी कैसे आ सकती है, ये कौन सी Redmi का सीरीज का फोन है ये नहीं पता, लेकिन रूमर तो Redmi नोट 10 की ही बात हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है Redmi नोट 10 सीरीज के बारे में, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Samsung Galaxy Note 20 सीरीज, Samsung के जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स आएंगे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे नो डाउट, लेकिन डिस्प्ले भी इनमें आपको इस बार थोड़ा नया देखने को मिलेगा। जो एक्चुअली में जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल, हाईएंड रिफ्रेश रेट हम यूज करते हैं उनमें बैटरी काफी ड्रेन होती है, तो ये टेक्नोलॉजी जो इनमें आएगी वो उसको सॉल्व कर देगी। जी हां, नोट 20 सीरीज में जो डिस्प्ले होगा इस बार बताया जा रहा है कि वो LTPO टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। LTPO मतलब लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड बैकब्लेंड टेक्नोलॉजी, LTPO ही सही था। एनीवेज छोड़ो, ये क्या करेगा दोस्तों, अगर ये जो नए तरीके की OLED पैनल्स जो इनमें आएंगे अगर ये उनमें यूज किया जाता है तो ये हायर रिफ्रेश रेट भी अगर आप क्यों ना यूज कर लो तो ये उसको 5-15% बैटरी को सेफ रखेगा, जो नॉर्मल फोन होते हैं उससे काफी बैटरी सेफ रखेगा, तो ये प्रॉब्लम वो लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज, वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा है, मतलब अब ये एक्यूरेटली क्या करेगा कि आप जो ऐप यूज करते हो अगर उसमें हायर रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उसको 60Hz पर स्विच कर देगा। जी हां, तो ऐसे दूसरे भी फोन जो ऑलरेडी अभी करते हैं प्रीसेट मोड में, लेकिन ये एकदम एक्यूरेटली करेगा जिसको वेरिएबल रिफ्रेश रेट बोला जा रहा है। तो जो बैटरी ड्रेन का इश्यू हो रहा था इन हायर रिफ्रेश रेट वाले फोन्स को यूज करने से, तो शायद इस टेक्नोलॉजी से उसको यहां पर रिड्यूस किया जा सकता है। वैसे दोस्तों लगे हाथों Samsung Galaxy M51 और M31S, जी हां M30 आया था, फिर M30S आया था, फिर M31 आया, अब उसका सक्सेसर M31S दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। M51 दोस्तों ऐसा अकॉर्डिंग टू सैम मोबाइल से हमें पता चल रहा है, तो M51 दोस्तों बताया जा रहा है कि A51 जो था Samsung का जो इंडिया में इस महीने जनवरी में लॉन्च हुआ था उसी के जैसा होगा, ज्यादातर बस थोड़ा हार्डवेयर में और थोड़ा डिजाइन में चेंज करके वो लोग उसको लॉन्च कर सकते हैं। M41 किधर गया भाई, M40 आया था तो M41 कहां गया, शायद M51 ही आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और जो M31S जो आएगा उसमें बताया जा रहा है कि आपको 128GB की स्टोरेज मिलेगी और थोड़े बहुत चेंजेस उसमें भी करके वो लॉन्च कर सकते हैं। तो दो स्मार्टफोन Samsung के आ रहे हैं, M सीरीज के M51 और M31S, देखते हैं दोस्तों कब आते हैं, क्या प्राइस होती है और क्या कुछ खास होता है, ये तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर लॉकडाउन वर्जन 4 की। जी हां, मई 17 तक तीसरा लॉकडाउन चलेगा हमारा, अभी जो चल रहा है उसके बाद शायद लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इंडिया की जो हालात है फिलहाल वो बहुत बुरी है और उसके हिसाब से मुझे लगता है लॉकडाउन बढ़ सकता है, चौथा लॉकडाउन कभी भी आ सकता है। उसी से रिगार्डिंग आज रात के 8 बजे मोदी जी आने वाले थे, कुछ बोलने वाले थे और वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं टेक न्यूज़ तो बहुत पहले शूट कर रहा हूं, पता नहीं क्या मोदी जी ने बोला रहेगा, क्या हुआ रहेगा, लॉकडाउन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो जो भी है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों इस मामले में, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी आपकी राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है और जब मैंने सुना मुझे बहुत मजा आया, आपको भी आएगा। Realme X3 सीरीज और Realme TV इंडिया का जो Realme का सपोर्ट पेज है वहां पर फाइनली लिस्ट हो चुका है। जी हां, मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया था और पहले ये जो लिस्ट हुआ है जहां पर, वहां पर Realme X50MB था जिसके बारे में पहले भी बताया था, अब वो हट चुका है और Realme X3, X3 सुपर जूम और Realme TV, ये तीन चीजें लिस्ट हो गई है। इससे ये पता चलता है Realme X3 और X3 सुपर जूम दोनों अलग अलग फोन है और जो X3 सुपर जूम होगा इसमें आपको अप टू 60x वाला जूम मिलेगा, जो अभी माधव शेट्टी ने ट्वीट भी किया था वो इसमें हो सकता है, तो कैमरे में आपको थोड़े चेंजेस मिल सकते हैं। वैसे एक स्ट्रॉन्ग लीक्स ये भी दोस्तों निकल कर आई है कि Realme X3 जो सीरीज आ रही है इनमें स्नैपड्रैगन 765G वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा, जो अच्छी बात है, शायद इससे प्राइस इनकी बढ़ भी सकती है, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूं, ये लिस्ट हुआ इसका मतलब बहुत ही जल्दी ये सब आ सकता है और क्या पता एक ही टाइम पर Realme X3 सीरीज, Realme TV और Realme स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाए। ये इस महीने तो नहीं आएगा, अगले महीने आएगा, जिसके बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। वैसे Realme X3 Pro की बात करते हैं दोस्तों, तो डिजिटल चैट स्टेशन ने Vivo पर इस पर एक पोस्ट किया था, उन्होंने इसको एक गेमिंग फोन बताया, मतलब RMX2072 ये जो मॉडल नंबर है ये Realme X3 Pro का है, जो पहले 3C पर भी लिस्ट हुआ था जिसमें 65W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा और यही सेम मॉडल नंबर Android 2 पर भी लिस्ट हुआ था जो 6 लाख से ज्यादा उसका स्कोर आया था, मतलब स्नैपड्रैगन 865 वाला आपको
प्रोसेसर मिलेगा। तो सारी चीजें यहां पर मिलाकर ये लग रहा है कि Realme X3 Pro इस बार जो आएगा वो शायद एक गेमिंग फोन बन के आ सकता है, क्योंकि Realme X2 Pro गेमिंग फोन नहीं था, वो एक फ्लैगशिप फोन था। हालांकि ये भी फ्लैगशिप होगा लेकिन गेमिंग फोन के रूप में मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड Realme X3 सीरीज के लिए। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा था 1980 में? IBM का 5120। ये दोस्तों उस टाइम पर जब आया था तो 105 पाउंड्स का था, यानी कि 50 किलो से ज्यादा इसका वजन था। आज एक पतला दुबला लड़का या लड़की होते हैं उनके वजन 50 किलो होते हैं, उस वेट का ये डेस्कटॉप था। सोचो दोस्तों, आजकल लैपटॉप हम हमारे गोदों में लेके घूम रहे, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक आ गई, 50 किलो बहुत होता है। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।